दो कॉपी ले लो, कबाड़ ले लो, नेकबैंड ले लो, ईयरबड्स ले लो। दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि इस टाइम पे इस प्राइस पॉइंट में इतने सारे फीचर्स ये वाला नेकबैंड जो प्रोवाइड कर रहा है दूसरे ब्रांड शायद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके आउटपुट को लेकर मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, तो आइए फटाफट करते हैं इसकी टेस्टिंग। अब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी है, थोड़ा ड्राइव करूंगा। क्या बात है भाई, ने मैचिंग वैचिंग पहना है, पार्टी। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, फाइनली यहाँ पे हमारे पास Realme Buds Wireless 3 नेकबैंड रिसीव हो चुके हैं। हमने यहाँ पे अमेजोन से पर्सनली परचेज किए थे। इसका लॉन्च प्राइस 1700 रुपये के आसपास था, शायद प्राइसिंग इसके बढ़ के 1800 रुपये के आसपास हो गए हैं। लेकिन इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, आउटपुट है, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। जो एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया है, आपको भी सारी टेस्टिंग दिखाऊंगा, आप भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंप्रेस हो ही जाएंगे। एंड तक पहुँचते पहुँचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको Realme Buds Wireless 3 नेकबैंड का ऐसा आपको बिल्कुल येलो कलर का बॉक्स मिलने वाला है। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं, सब डिटेलिंग में चेक करेंगे, अनबॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक कार्ड, मतलब यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा यूजर मैनुअल के साथ, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिलने वाली, टच कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं वगैरह वगैरह। साथ ही में आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलने वाले, अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपको टाइप सी का केबल, जो चार्जिंग केबल है, यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की है यहाँ पे Realme ने, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग। ऊपर जो सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है, काफी सही तरीके का आपको सिलिकॉन मटेरियल यूज किया, इसको फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। काफी पतला सा आपको नेकबैंड मिलने वाला है। इस साइड पे आपको सिंपली यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऐसे कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया। और जो प्लास्टिक क्वालिटी वो आपको काफी प्रीमियम मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और दूसरी साइड देखें तो आपको सारे के सारे यहाँ पे आपको मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाले हैं, प्रॉपर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं सारे के सारे फीचर इनके थ्रू। साइड में आपको एक ओपन यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है टू चार्ज योर नेक बैंड। और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे वायर्स मिलने वाली है, क्वालिटी काफी सही मेंटेन की गई है वायर्स की। और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बड्स पूरे यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड के मिलने वाले हैं। लेकिन जो लुक एंड फील है, कलर कॉम्बिनेशन, मुझे ये वाला पर्सनली काफी अट्रैक्टिव लगा। और इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी मिलने वाला है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसमें आपको सिंपली मैग्नेटिक बड्स नहीं है, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी दिया गया है। यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट्स को अलग करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग सकते हैं, ये लास्ट पे डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैग्नेट्स को जोड़ देंगे तो इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर सही तरीके से वर्क करता है। और इसको प्रॉपरली नेक पे प्लेस करेंगे तो काफी लाइट वेट नेक बैंड, इसके वेट को लेकर मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। अगर आप प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे, फिटिंग भी आपको सही मिलने वाली है, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसको लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए। अगर आप वर्कआउट भी करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कानों से नहीं गिरते हैं, सिक्योर तो आपको फिट मिल जाएगा, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। और एक नजर हम डालते हैं इसके फीचर्स पार्ट को लेकर। सबसे पहले तो यहां पर आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर, 13.6 mm के आपको यहाँ पे बेस ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, SBC AC कोडेक का सपोर्ट। इसमें आपको 360 स्पेशियल ऑडियो इफेक्ट्स का सपोर्ट मिल जाएगा, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिलने वाला है, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर, ट्रांसपेरेंसी मोड, गेमिंग मोड मिल जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 आवर्स का ओवरऑल प्ले टाइम मिलेगा इसको आप चार्ज करेंगे फुली तो। और वो डिपेंड करता है जो बैटरी, अगर आप ANC मोड में सुनेंगे उससे भी बैटरी काफी इफेक्ट होती है। आप कॉलिंग करते हैं कि आप किस वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते हैं, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं अप टू आप बोल सकते हैं 40 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा, बाकी आपके यूसेज पे डिपेंड करता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, 10 मिनट आप यहाँ पे नेकबैंड को चार्ज करेंगे नियरली आपको 25 घंटे का प्ले टाइम मिल सकता है। फीचर्स बढ़िया मिलने वाले हैं इस प्राइस पॉइंट में, दूसरे नेकबैंड बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, भर भर के इसमें आपको फीचर्स मिलने वाले, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। और इसमें आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन का सपोर्ट भी, इसमें आपको Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको Realme Buds Wireless 3 का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें जो अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, जो नॉइस कैंसिलेशन मोड है ऑफ करना है, ट्रांसपेरेंसी मोड में आपको स्विच करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और जो मोड स्विचिंग का बटन दिया गया है उससे एक्जैक्टली सिंगल प्रेस से क्या हो, आपको ऑफ करना है, नॉइस कैंसिलेशन ऑन करना है, कि ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करना है, जो ये वाला बटन दिया गया है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं सिंगल प्रेस करने से एक्जैक्टली क्या हो। और यहाँ पे आपको मल्टीपल साउंड इफेक्ट्स मिलने वाले, इसमें आपको क्लियर वोकल्स का ऑप्शन, नेचुरल बेस का ऑप्शन, क्लियर बेस, बेस बूस्टेड का ऑप्शन, यहाँ पे आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले, मतलब अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे आपको कैसा आउटपुट चाहिए, वोकल्स को लेके फोकस डालना है कि आपको बेस को लेके फोकस डालना है, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। और इसमें आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है, जैसे इसको आप ऑन करेंगे तो आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, आपको ऐसा लगेगा आप लाइव एक्सपीरियंस ले रहे हैं म्यूजिक को लेके। और साथ ही में इसमें आपको मिलने वाला है डायनेमिक बेस का ऑप्शन, इसको आप ऑन करेंगे तो आप सेट कर सकते हैं कितने आपको यहाँ पे बेस इफेक्ट्स चाहिए पॉइंट्स को लेके, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे आउटपुट कैसा है म्यूजिक और बेस को लेके। और वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आपका फोन डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलने वाला है आप ऑन करके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आपको कैसे चाहिए, सराउंडिंग इफेक्ट्स कैसे चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एक टाइम पे आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से।
और जो इसके बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पे आपको उसका पूरा डिस्प्ले दिखा देगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि कौन से बटन से एक्जैक्टली क्या होता है, सिंगल प्रेस, डबल प्रेस, ट्रिपल प्रेस से क्या होगा, किससे वॉइस एसेंट फीचर एक्टिवेट होगा, गेमिंग मोड किससे ऑन होगा, ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड किससे ऑन ऑफ होगा, प्रॉपर तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं जो बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं। टाइमली यहाँ पे आपको अपडेट्स आते रहते हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन काफी यूजफुल है, इसके बिना बिल्कुल ये नेकबैंड अधूरे हैं। इसको यूज करके आप सारे के सारे फीचर एक्सेस कर पाएंगे। और अगर हम बात करेंगे इसके ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड की, यार ANC मोड में जैसे आप स्विच करेंगे आपको साफ साफ डिफरेंस वो पता चल जाएगा। आप बोल सकते हैं 85 से 90% बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल हो रही है, आपको एक्टिविटीज बैकग्राउंड की काफी कैंसिल लगेंगी जब आप ANC मोड में ऑन करेंगे। सामने आपके कोई बोलेगा नॉर्मल तरीके से आप हल्के हल्के तरीके से सुन पाएंगे, लेकिन इसका ANC फीचर सही तरीके से वर्क करता है काफी हद तक। ट्रांसपेरेंसी मोड भी सही तरीके से वर्क करता है, काफी तक एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और जो गेमिंग मोड दिया गया है 45 मिलीसेकंड की आपको लेटेंसी क्लेम की है, वो कितनी जस्टिफाई करती है आप एक गेम टेस्ट देख लीजिए। गेमिंग आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है, जो 45 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है काफी तक जस्टिफाई करती है। आपको ऐसे ज्यादा लैग फील नहीं होने वाला, लेटेंसी आपको ज्यादा फील नहीं होगी, स्टीरियो सेपरेशन, लाउडनेस आपको बढ़िया मिलने वाली है। इसको आप डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 13.6 mm के इसमें आपको बेस बूस्टेड ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, SBC AC कोडेक का सपोर्ट, और जो कस्टमाइजेशन दी गई है साफ साफ उनको आप जो एप्लीकेशन पार्ट में कस्टमाइजेशन दी गई है उसको आप यूटिलाइज करके बढ़िया इफेक्ट्स आप ले पाएंगे। लाउडनेस बहुत ज्यादा दी गई है, फुल वॉल्यूम पे आप अवॉइड कर सकते हैं सुनना, लेकिन आपको ऐसा कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होगी। आपको वोकल्स पे क्लैरिटी डालनी है, जो अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स दिए गए हैं वोकल्स वाले, नेचुरल बेस वाले, आपको बेस बूस्टर डालना है। और जिसमें आपको डायनेमिक बेस का ऑप्शन दिया गया है उसमें जैसे आप स्विच करेंगे जो पॉइंट्स है आप जैसे बढ़ाते जाएंगे आपको कानों में ऐसा लगेगा सराउंडिंग पावरफुल बूस्टर धमधम करने वाले आपको इफेक्ट्स आ रहे हैं बेस पार्ट को लेकर। ऐसे लगेगा हल्के फल्के बर्ड्स भी उछक रहे हैं बेस पार्ट को लेकर। मतलब मेनली आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स चाहिए वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। कस्टमाइज करके आप प्रॉपर तरीके से आउटपुट ले पाएंगे, म्यूजिक और बेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बात करेंगे कॉलिंग की, हमारा आप देख लीजिए DRS, मैंने बाइक पे भी टेस्टिंग की हुई है कॉलिंग की इसके थ्रू। हेलो, हाँ रिक्शा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस रेस्ट कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे यार मेरे पास अभी ना रियलमी बड्स वायरलेस 3 नेकबैंड है, अभी मैंने वो मंगाए हुए हैं, तो उनसे मैं ऑफिस के बाहर हूँ रोड साइड पे, तो बातचीत कर रहा हूँ। मेरी आवाज समय कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर है, वोकल्स मतलब बहुत ज्यादा क्लियर लग रहा है, और लाउडनेस अच्छी है, लाउडनेस भी काफी अच्छी है, मतलब ओवरऑल कॉलिंग बहुत ही हल्की सी समझ में आ रही है, इतनी मतलब कॉलिंग इफेक्ट नहीं कर रही है, बहुत ही माइनर सी आ रही है, लेकिन मुझे कॉलिंग काफी अच्छी लग रही है इसकी। कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती हो मेरी आवाज पे अभी? 85 to 90%। अब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी है, थोड़ा ड्राइव करूंगा, है ना, तो बताना कंपैरेटिवली राइट टाइम पे मैं हॉर्न बजा रहा हूँ तो मेरी आवाज कंपैरेटिवली कैसी आ रही है ड्राइव कर रहा हूँ, विंडो इसको लेके, हॉर्न को लेके? मैं सही बता रही हूँ, मुझे कॉलिंग काफी अच्छी लग रही है, ड्राइव के टाइम भी काफी अच्छी लग रही है, मुझे हॉर्न की आवाज समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हारी आवाज काफी हद तक फोकस है, और अभी भी तुम्हारी आवाज 85% तक मुझे फोकस लग रही है। अच्छा, इतनी अच्छी कॉलिंग एक तरीके से, काफी अच्छी लग रही है, इंप्रेसिव है कॉलिंग। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हाँ बाय। कॉलिंग आपने देख ली, रिकॉर्डिंग आपने सुन ली, आपको अंदाजा लग गया होगा उसमें आपको बहुत ही इंप्रेसिव कॉलिंग मिलने वाली है। मेनली अगर आप ड्राइविंग के टाइम भी कॉलिंग करते हैं सामने वाला फोकस आपको सुन पाएगा, उसको आप डेफिनेटली परफेक्ट कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। रेटिंग्स करेंगे अब हम साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस, ANC मोड को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 9 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 9 out of 10, मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को भी दूंगा 9 out of 10, और मैं ANC फीचर को दूंगा 8.5 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड अप्रॉक्सिमेटली 1800 रुपए के आसपास है, बिल्कुल जस्टिफाई करता है। 2000 रुपए के अंदर आपको एक नेकबैंड चाहिए जिसमें आपको ओवरऑल बढ़िया आउटपुट मिल जाए, आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, म्यूजिक बेस परफेक्ट आपको मिल जाए, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाए, एप्लीकेशन पार्ट का परफेक्ट कॉलिंग, बढ़िया आपको गेमिंग मिल जाए, ANC मोड सही तरीके से वर्क करता है, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। पॉसिबल लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड रियलमी बड्स वायरलेस 3 नेकबैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।